इंटरव्यू में देखा था, तो एक जिक्र किया था उन्होंने ईमेल हैकिंग का, तो मैं ये भी खुलासा कर दे रहा हूँ। सबका जीमेल अकाउंट होता है, मेरा भी जीमेल अकाउंट है, मेरे पास प्रूफ है। आपको जाने से पहले मैं नंबर सबके सामने दिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं उस काला चेहरा को ये मतलब ये अच्छा चैनल पे दिखाना नहीं चाहती हूँ, वो नंबर शो अप नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन ये वायरल कौन किया, कहाँ से हुआ, किससे हुआ? मेरे सबका जीमेल अकाउंट होता है, मेरा भी जीमेल अकाउंट है, मैं सही बोल रही हूँ, आप लोगों को भी मैं बताई हूँ। मेरे पास प्रूफ है, आपको जाने से पहले मैं नंबर सबके सामने दिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं उस काला चेहरा को ये मतलब ये अच्छा चैनल पे दिखाना नहीं चाहती हूँ, वो नंबर शो अप नहीं करना चाहती हूँ। बाकी मेरा दिल जानता है और आपको मैं पर्सनली दिखा दूँगी, आप देखे हो कि नहीं देखे हो वो आप मुझे बता देना। आप मेरा फ़ोन एक बार भाई देना, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, लोग समझेगा कि आपको दिखाई हूँ कि नहीं दिखाऊँ, पब्लिक को नहीं दिखाऊँगी। मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ देती हूँ, आप उसको मत दिखाना, मेरा फ़ोन को मत, बस इनको दिखाती हूँ। मेरा मोबाइल हैक करके एक और नंबर डाला, मुझे मोबाइल पे शो नहीं करता लेकिन सिस्टम से ये काम की, मुझे नहीं पता शायद बहुत कुछ हैक करके लिया गया है। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ पे अराइज होता है, सवाल ये अराइज होता है कि आप बोल रहे हो मैंने नहीं किया, वो बोल रही है मैंने नहीं किया, वो ब्लेम भी कर रही है कि कोई थर्ड पर्सन किया, तो क्या ये ब्लेम उनके लिए तो नहीं है? जी नहीं, वो इनडायरेक्टली उसको पॉइंट कर रही है, वो चाहती है कि अब देखो उनको कोई मिला नहीं, कोई पॉइंट मिला नहीं, तो किसको पकड़ेंगे, तो उस बंदे को पकड़ रही है। हाँ, हमने आपका लास्ट इंटरव्यू में देखा था, तो एक जिक्र किया था उन्होंने ईमेल हैकिंग का, तो मैं ये भी खुलासा कर दे रहा हूँ कि वो जिनके बारे में बता रही है, जिस शख्स के बारे में बता रही है, वो उनका एक्स था। और आप लोगों ने सब फॉलो किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट फोकस कीजिएगा कि मेरे साथ जो भी वायरल हुआ था, तो मेरे साथ वीडियो वायरल हुआ था, उनके साथ फोटो वायरल हुआ था। तो वो बंदा, उससे कुछ डेटा लिया था, उसने मुझे बताया भी था कि भाई मैंने उससे पूछा भी ऐसा ऐसा न्यूज़ के बारे में, उसने मुझे बताया कि हाँ मैंने उससे डेटा लिया था, तो मैंने उसे कार गिफ्ट करने के लिए, और ये सरप्राइज था। तो और जिस वजह जिसका वो अभी गलत इस्तेमाल करके, मतलब गलत न्यूज़ दे रही है, वायरल वायरल क्या मतलब कि झूठा फेम के लिए, सिंपैथी के लिए, क्योंकि हकीकत ये, अगर आप लोग बोलोगे प्रूफ देना तो मैं ये भी प्रूफ दे सकता हूँ। भाई सुन, एक चीज बताता हूँ, उसका कुछ दिन मतलब बहुत दिन पहले इंटरव्यू देखा था, तो उसने मेरा नंबर शो अप किया है सबके सामने, कि इस लड़के ने मेरा ईमेल आईडी, मेरा वीडियो वगैरह वायरल किया है। अच्छा, वो जो वो लास्ट टाइम मैंने देखा था, वो एक नंबर दिखा रहे न्यूज चैनल वाला, हाँ न्यूज चैनल वाला बोलता है ना 893, तो मैं उससे मेरे बात को मैंने कैच किया, 893 तो मेरा नंबर है। ये सब बातें जानते हो कब की है? नहीं नहीं, ये सब बातें जानते हो कब की है? कब की? जब मैं उसको गाड़ी फोर व्हीलर गिफ्ट करने वाला था, तो उसका ITR मैंने रिटर्न कराया था, तो उस टाइम में ITR के लिए एक OTP आता था मोबाइल नंबर। अब क्या हो गया है कि अब आधार पे जो नंबर अपडेट रहता है उस पे OTP जाता है। तो जब आप ITR फाइल करते हो तो आपके एक पैन कार्ड में एक पासवर्ड बनाया जाता है, तो वो पासवर्ड में करता था, मैंने इसका करवाया था, उस चीज को उसने सॉल्व कर दिया। मैंने उसने पूछा भी था कि नाम बताइए, तो उसने बोला कि नहीं नहीं नाम नहीं बता सकती हूँ मैं, उसका कोई बैकग्राउंड है ये है वो मेरे को दिक्कत करेगा। हम कहे भाई अगर ये चीज सब देख, अगर ये चीज मेरे जगह तू होता तू क्या करता भाई? तू थोड़ी गिव अप कर देता, तेरा इज्जत अगर कोई उड़ा दे ऐसे मार्केट में, तेरे साथ जो जो तू फेस आउट करेगा उसके। मैंने भी फेस आउट किया है भाई, मैंने भी फेस आउट किया, मगर बहुत कुछ मैंने यूट्यूब वगैरह पे मेल डाल वगैरह का अपना शो जो भी था पिक्चर वो सब मैंने डिलीट करवाया।